आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 625वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बीरबल की खिचड़ी बना दिया है भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को। एक ही बार में पूरी जानकारी देने से क्यों हिचक रहा है भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन? बिना नंबर, अगर उनका नंबर नहीं मुहैया कराया गया तो बिना नंबर के आखिर सियासी दलों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे बनाया गया? लिमटी की लालटेन के 625वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक महीने से ज़्यादा समय से भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जिस तरह की लुका छिपी खेली जा रही है वह किसके इशारों पर हो रही है, ये शोध का विषय है। शोध का विषय निश्चित तौर पर मानी जा सकती है कि आखिर SBI ऐसा क्यों कर रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि शीर्ष अदालत के द्वारा एक के बाद एक स्पष्ट निर्देशों को ना तो भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन समझ पा रहा है, ना ही भारतीय स्टेट बैंक के काबिल वकील उसकी व्याख्या ही कर पा रहे हैं। अब शीर्ष अदालत के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक चुनाव आयोग को भेजी जाए। कितने आश्चर्य की बात है कि बार बार कहा जा रहा है। शीर्ष अदालत के द्वारा ये भी निर्देश दिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन एक हलफनामा भी दें उसकी उनके द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं जा रही। इतने स्पष्ट होने के बाद और क्या रह जाता है। विधि के जानकारों के अनुसार एक के बाद एक स्पष्ट निर्देशों के बाद अब 21 मार्च तक जानकारी देने के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। देश के सियासी दलों को दिए जाने वाले चंदे के मामले में उद्योग संगठनों की ओर से एक अधिवक्ता ने बॉन्ड नंबर जारी करने के आदेश को रद्द करने की अर्जी लगाने की बात कहना अपने आप में कमाल माना जा सकता है। कमाल इसलिए क्योंकि अगर किसी राजनीतिक दल को किसी के द्वारा चंदा दिया गया है तो उसे देश को बताने में हर्ज ही क्या है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रवैये से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का रवैया भी नोटिस करते हुए उन्हें दंडित किए जाने की मांग उठना चाहिए। वक्त का तकाजा यही है क्योंकि 15 फरवरी को शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद बार बार माननीय न्यायालय का समय किसी और के द्वारा नहीं वरन भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन के द्वारा ही जाया किया गया है। इस मामले में माफ कीजिएगा, भारतीय न्यायालय का जितना माननीय न्यायालय का जितना भी समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के वेतन भत्तों से ही किया जाना लाजमी होगा। आखिर क्या वजह है कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के द्वारा लोकतंत्र के साथ ही साथ भारत की उस न्याय व्यवस्था जिस पर हर भारतीय को पूरा भरोसा है, हर भारतीय उस पर पूरा भरोसा करता है, के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन वजहों को भी खोजा जाना चाहिए जिन वजहों के चलते भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन के द्वारा चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक किए जाने से बचा जा रहा है। हालात देखकर अगर आम भारतीय को ये लगने लगे कि कहीं भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन को इन चुनावी बॉन्ड से व्यक्तिगत लाभ हो रहा होगा अथवा भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन खुद ही चुनावों में किस्मत आजमाने का विचार कर रहा हो तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है। सबसे बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है और वो बड़ा सवाल क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक शहर की एक शाखा से किसी के द्वारा चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। किसी दूसरे शहर में, बंबई में अगर खरीद के और दिल्ली में बनाया जा रहा है, किसी दूसरे शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में इन बॉन्ड्स को बनाया जाता है, तब भारतीय स्टेट बैंक की उस शाखा जिस शाखा में इसे बनाया जा रहा है उसे कैसे पता चलता है कि जो बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं वे असली हैं, क्योंकि उस पर नंबर तो कोई है नहीं जैसी बात हो रही है।
जाहिर है बैंक की दोनों शाखाओं को उन बॉन्ड्स के बारे में विस्तार से जानकारी रही होगी। जब बैंक की दो शहरों की अलग अलग शाखाओं के पास पूरी जानकारी थी अथवा है, तो ये जानकारी 15 फरवरी को शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी गई, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आखिर क्या वजह थी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा समय से पहले समय चाहा गया, फिर शीर्ष अदालत के कठोर रुख के चलते आधी अधूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी गई। अब शीर्ष अदालत के द्वारा 21 मार्च तक पूरी जानकारी, जिसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया हो, चुनाव आयोग को देने के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद एक आशंका ये भी उठ रही है कि 21 मार्च के पहले भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन फिर से नई कोई कहानी ना कर ले। जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया भारतीय स्टेट बैंक कर रहा है, वो वास्तव में बहुत निंदनीय माना जा सकता है। वो सिर्फ निंदा करने से उसका काम नहीं चलने वाला। देश के हर नागरिक के मन में प्रश्न कौन रहा होगा, प्रश्न घूमड़ रहा होगा कि भारतीय स्टेट बैंक की इस तरह से आत्मविश्वास के जलते लट्टू जलते बल्ब की उसके तार किस बैटरी से जुड़े हैं कि उसे लोकतंत्र में सर्वोच्च मानी जाने वाली न्यायपालिका के माननीय न्यायपालिका के निर्देशों की परवाह नहीं है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है, चुनाव आयोग के द्वारा जो जानकारी वेबसाइट्स पर डाली गई है, वो दो हिस्सों में है। दोनों ही जानकारियों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। एक खरीदने का है, दूसरा भुनाने का है। दोनों को आपस में कोरिलेट आप नहीं कर सकते। फिर किस आधार पर देश का मीडिया सीना ठोंक कर ये दावा कर रहा है, मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि किसके दबाव में, किसके द्वारा, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया गया, यह बहुत बड़ी बात अपने आप में मानी जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक के तो इस मामले में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के मानिंद उत्तर दे रहा है। जो जानकारी देना है वो देगा, जो जानकारी नहीं देना है उसमें टाला मटोल करेगा, समय चाहेगा। आखिर क्या वजह है कि शीर्ष अदालत के को एक ही मामले में बार बार दिशा निर्देश जारी करना पड़ रहा है, फिर भी भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन अपने रवैयों को सुधारने को तैयार नहीं है। आखिर यूनिक नंबर, जिसे अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहा जाता है, उस बारे में भारतीय स्टेट बैंक स्पष्ट जानकारी देने से बच क्यों रहा है? भारतीय स्टेट बैंक की साख बहुत अच्छी मानी जा सकती है। लोगों का, देश के लगभग हर भारतीय का विश्वास आज भी भारतीय स्टेट बैंक पर बरकरार है, किंतु चुनावी बॉन्ड योजना में अदालत के आदेशों के बाद भारतीय स्टेट बैंक की छवि अगर प्रभावित हो रही हो, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर छवि की परवाह भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन को क्यों नहीं? बहरहाल पूरे मामले में देश की शीर्ष अदालत के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है, वास्तव में भविष्य के लिए नज़ीर से कम नहीं होगा। इस पूरे मामले में भारतीय स्टेट बैंक के अड़ियल रवैये और जानकारियाँ, शीर्ष अदालत के द्वारा दिए गए, समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश, इस मामले में चुनावी बॉन्ड योजना के मामले में सालों साल तक लोगों के बीच, जनता के बीच चर्चित रहे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर स्टेट बैंक का अड़ियल रवैया कतई स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। लिमटी की लालटेन के 625वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन का प्रसारण लगातार ही हम करते आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मैं आप इसे देखे अगर आप देख रहे हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे कैसे खबरें लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 626वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।